लेके सब ठीक ठाक होंगे और फाइन शाइन होंगे। जी तो मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी लड़कियों, आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं ये बहुत ही स्टाइलिश सा, डिफरेंट सा और बहुत ही यूनिक सा ड्रेस डिजाइन, जिसे मैंने खुद डिजाइन किया है और इसे आप लोग किसी भी पार्टी वेयर में इजीली कैरी कर सकते हैं और वेयर किए हुए ये बहुत ही एलिगेंट सा, रॉयल सा और स्टाइलिश सा लुक देगा। चाहे कोई गेट टुगेदर हो, चाहे कोई पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, किसी भी ओकेजन में ये बहुत ही जबरदस्त लगेगा। तो चले जी, टाइम को जाया नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से डिजाइन किया है और ये ड्रेस मैंने कहाँ से बाय किया है। So let's start the video. जी तो ये आप लोग जो ड्रेस देख रहे हैं ये थ्री पीस मैंने अनस्टिच बाय किया था बुनैजा सतरंगी से, जब 50% ऑफ लगी थी तो मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। तो लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी नहीं था, ये प्रिंटेड था। इसमें ये जो एम्ब्रॉयडरी आप लोग देख रहे हैं ये कहाँ से आई है, ये कैसे हुई है, ये आप लोगों को मैं आगे बताती हूँ। तो ये आप लोगों ने शर्ट का फुल लुक देख लिया है, अब जल्दी से इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जो हम नेकलाइन डिजाइनिंग देखेंगे, इस पर मैंने गोल गले में जो है वो चरमा डोरी लगाई है, गोल्डन और सिल्वर कलर की चरमा डोरी ईजिली मिल जाती है। और इसके साथ ही जो आप लोग नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बल्कि ऐसे जो मैंने अलग से नेकलाइन पैचेस वगैरह मिलते हैं दामन और नेकलाइन के लिए, स्लीव्स वगैरह के लिए जो पैचेस मिलते हैं, तो मैंने नेकलाइन पैच को बाय किया और इसकी प्राइस सुन के आप लोग बिल्कुल शॉक रह जाएंगे। इसकी प्राइस जो थी वो जस्ट 80 रुपीज़ थी। जी जस्ट 80 रुपीज़ में मुझे ये खूबसूरत सा सिक्वेंस वाला, बहुत ही फिनिशिंग वाला ये मुझे एम्ब्रॉयडर्ड पैच मिल गया। तो मैंने जल्दी से इसको बाय कर लिया और ड्रेस पर लगा लिया और आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नेकलाइन कंप्लीट सी प्यारी सी लुक दे रही है इस नेकलाइन पैच के साथ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगे आप लोगों को। और यहाँ पे जो स्लीव्स डिजाइनिंग की बात करेंगे तो इस पे मैंने बहुत ही प्यारी सी ये लेस लगवाई है और बिल्कुल मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग मिल गई। और लेस के ऊपर जो है वो मैंने स्किन कलर के कपड़े से जो है वो पट्टियाँ बनवाई हैं ताकि जो इसकी लुक है बहुत ही स्टाइलिश सी और एलिगेंट सी आए। तो स्लीव डिजाइनिंग के बाद अब हम बात करेंगे चौक डिजाइनिंग के। चौक पे मैंने वही चरमा डोरी लगवाई है जो कि मैंने नेकलाइन पे लगवाई है गोल गले में। तो दामन और चौक में मैंने जो है वो सेम चरमा डोरी लगवाई है और इसके नीचे दामन की जो आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, इसी डिज़ाइनिंग से शर्ट की इस ड्रेस की जो है वो बहुत ही जो है कहते हैं चार चांद लग जाते हैं इस ड्रेस को। मुझे ये दामन डिज़ाइनिंग पर्सनली बहुत अच्छी लगी, इसके जो कट्स मैंने रखवाए हैं बनवाए हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। ये मैंने फ्रोजी और स्किन कलर से जो है वो कपड़े की पट्टी जो होती है उससे बनवाई है, लूप्स हैं और इस तरह से ओवल शेप से ये डिज़ाइनिंग की गई है। अगर आप लोग को ये डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग भी अपने लॉन के पार्टी वेयर के किसी भी ड्रेस में ये डिज़ाइन बना सकते हैं और अपने दामन को चार चांद लगा सकते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो बारीक छोटे छोटे लूप्स बने हुए थे उसमें मैंने एक ग्रीन कलर का पर्ल भी लगवाया है ताकि जो है वो जो लूप है वो प्रोमिनेंट होकर आए। तो ये ले जी हो गई हमारी आगे की डिज़ाइनिंग। अब हम पीछे की डिज़ाइनिंग बैक साइड की हम बात करेंगे। बैक साइड जो है वो फुल प्रिंटेड था जैसे आगे प्रिंट था, लेकिन इसके दामन को भी मैंने सेम एज इट इज़ डिज़ाइन किया जैसे मैंने आगे करवाया था, जैसे मैंने आगे थ्री कट्स बनवाए थे इस तरीके से, जो लूप्स वाले और ओवल स्टाइल वाले जो मैंने कट्स बनवाए हैं पट्टी से ग्रीन और स्किन कलर के, सेम एज इट इज़ मैंने पीछे भी बनवाए हैं और वही चौक दामन पर चरमा डोरी लगवाई है जो मैंने आगे लगवाई है। मुझे पर्सनली जो है वो बैक की डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी लगती है। अगर बैक जो है डिज़ाइन ना की गई हो तो मुझे ऐसे ड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट सा लगता है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करवाऊँ तो मैं जो ज़्यादातर जो बैक पे भी उसको प्लेन ना छोड़ूँ, कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग करवाऊँ ताकि ड्रेस मुझे मुकम्मल सा लगे। अब चलिए जी ट्राउज़र डिज़ाइन की बात करते हैं। ट्राउज़र जो है वो बहुत ही प्यारा सा मैंने सिंपल स्टाइलिश और एलिगेंट सा डिज़ाइन बनाया है। नीचे पाँचों पर चरमा डोरी लगवाई है, दो लूप्स हैं इसके बाद एक बड़ा लूप्स है, ऊपर नीचे जो लूप्स डिज़ाइनिंग है वो सेम है, बीच में बारीक बारीक पिनटेक्स है, लंबाई में पिनटेक्स है और जो छोटे छोटे लूप्स में इनमें ग्रीन कलर का एक एक पर्ल लगा दिया गया है ताकि जो है वो लूप्स बहुत ही प्यारे से और प्रोमिनेंट से लगे, कंप्लीट सा लुक आए। और ऊपर जो है वही स्लीव्स में जो मैंने लेस लगवाई थी वही लेस लगाई है और लेस लगाने से आप लोग देख सकते हैं कि इस ट्राउज़र की जो खूबसूरती है मज़ीद इन्हेंस होकर आई है। और आगे पीछे जो पाउचर है ट्राउज़र का उस पर मैंने सेम डिज़ाइनिंग करवाई है, सेम लेस पिनटेक्स और लूप्स डिज़ाइनिंग और पर्ल्स वगैरह जो है वो सेम मैंने एज इट इज़ आगे पीछे सेम रखे हैं। और ये लीजिए इस प्यारे से हसीन से स्टाइलिश से ड्रेस का, प्यारा सा हसीन सा स्टाइलिश सा खूबसूरत सा दुपट्टा। इस ड्रेस को लेने की जो है एक वजह ये भी थी कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है इसका दुपट्टा बहुत मुझे प्यारा लगा, इतना अट्रैक्ट किया मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन ग्रे और ग्रीन, शर्ट और ट्राउज़र का कलर जो है वो ग्रीन और दुपट्टा ग्रे कलर का मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर मैंने जो इसको मज़ीद चार चांद लगाने के लिए इस पर जो है वो चारों तरफ लंबाई में और पल्लू पर इसकी जो है वो इस तरह से लेस लगवा ली है। लेस आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी लेस है, इसमें जो है वो वेलवेट के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये मैंने शर्ट के कलर की लेस लगवाई है ताकि जो है बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन दुपट्टे को भी मिल जाए और दुपट्टे में भी जो है मज़ीद खूबसूरती आ जाए। और फिर पल्लू पे जो है वो मैंने टेजल्स लगवा लिए, ये टेजल आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, दो दो यानी कि एक पल्लू पर मैंने दो टेजल लगवाए, एक पल्लू पर दो टेजल लगवाए, यानी टोटल मैंने चार टेजल लगवाए हैं ताकि जो है ये
ड्रेस जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्यारा हो जाए। ये लीजिए दुपट्टे की फाइनल लुक, और अब आप लोग मुझे देखेंगे इसे वेयर किए हुए कि ये वेयर किया हुआ कितना स्टाइलिश और प्यारा सा लगता है। मुझे पर्सनली इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगी, मैंने मैचिंग की, फिर मैंने नेल पेंट भी लगा ली। आई होप आप लोगों को मेरी ये ड्रेस डिजाइनिंग, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन मिलती रहेगी तो आगे आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज़।